अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू फाइन। नाउ टुडे इज आवर फिफ्थ लेक्चर। लुक एट दिस, इट्स अ पेज नंबर 1। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स, कि हमारी बोन्स के साथ जो है क्लास फोर क्या होता है, कि अगर हमारी बोन्स जो है वो कैसे डैमेज होती हैं, ये क्या चीज़ है हमारी बोन्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर देती है। क्लास फोर जब हमारी बोन्स वीक होती हैं तो हमारी बोन्स जो हैं वो ठीक क्लास फोर व्हाट कैन गो रॉन्ग्स विद बोन्स, हमारी बोन्स जो हैं वो किस तरह वीक होती हैं, ड्यू टू इंजरी, इंजरी के ड्यू, ठीक है, इंजरी की वजह से जो है वो हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, और जैसे जैसे जो हैं वो ओल्डर होते जाते हैं तो हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, और अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो तो हमारी बोन्स जो हैं वो उस वजह से भी वीक होती हैं। नाउ हाउ कैन डू वी कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, हम अपनी बोन्स को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लास फोर, ईट कैल्शियम फूड। अब कैल्शियम जो है वो हमें किन फूड से मिलता है, मिल्क से, योगर्ट से, ठीक है, इन चीज़ों से जो है, इन थिंग से हमारी जो बोन्स हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें खाएंगे तो हमारी बोन्स जो हैं वो ठीक रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ है, इसमें मिल्क है, योगर्ट है, इस और डेली एक्सरसाइज भी है। क्लास थ्री फोर एक्सरसाइज जो है हमारी बोन्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर हम मॉर्निंग वॉक करेंगे या इवनिंग में वॉक करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज घर में करेंगे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है जिससे हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, ये इनसे एक्सरसाइज से हमारी बोन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हेल्प आउट करती हैं। एक्सरसाइज जो है इज़ द बेस्ट थिंग क्लास, ठीक है। नाउ क्लास थ्री वी मूव ऑन अ बुक, ठीक है। अंडरलाइन दीज लाइन विच आई मैंशन, what can go wrong with bones, as strong as bone they can break, muscles can become weak and joints can be damaged by injury or disease, bones become weak as people grow older, ke jaise jaise people jo hain wo ओल्डर होते जाएंगे, जो हमारे जैसे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, जैसे जैसे वो ओल्डर होते हैं तो उनकी बोन्स जो हैं वो वीक होती जाती हैं, और उनकी जो है बोन्स पे जल्दी से अगर कोई भी चीज़ हिट करे तो उनको ज़्यादा पेन फील होती है क्लास। नाउ नेक्स्ट इज़ बोन कैन ब्रेक और फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ इंजरी, बोन्स कैन बेंड और ब्रेक इजिली इन ओल्डर पीपल। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, कीप बोन स्ट्रॉन्ग, you can keep your muscles and bones strong by doing plenty of exercise. Plenty means ज़्यादा, कि जब हम ज़्यादा exercise करेंगे तो हमारी bones जो हैं वो strong होंगी। And eating the right kinds of food, और हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। For example, eating calcium rich food like milk, cheese and yogurt help to build strong bones. Now next move on page number 9. क्लास फोर, ऑल ऑफ यू राइट डाउन द डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज। नेक्स्ट, फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज विच काइंड ऑफ टिश्यू गिव शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड देम इन प्लेस, कनेक्टिव टिश्यूज, कार्डियक मसल्स, मेकअप विच ऑर्गन, हार्ट, वट आर द मसल्स डेट परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देम कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, वट मेक्स आवर बोन स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज, कैल्शियम, मिल्क एंड ऑल ऑफ देम, इट्स मीन ऑल ऑफ देम इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन विल चूज द करेक्ट आंसर इज 5. द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज इन द ईयर, हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो किस बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट है, इन आवर ईयर। नाउ वी मूव ऑन अ फिलिंग द ब्लैंक्स। बोन एज इन बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट इज डैश मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स व्हेन पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी, कार्डियक मसल्स। थर्ड इज अ प्लेस इन वर्टिब्रेस बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज अ जॉइंट, जहाँ दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं वही कॉल्ड इट्स ज्वाइंट।